हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कंचनाबुरी। हम लोग ने यहाँ पे कल चेक इन कर लिया था और आज का हमारा प्लान है इरावन फॉल्स जाने का। एक्चुअली इरावन फॉल्स देखने के लिए ही हम लोग यहाँ तक आए हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 और 4 hours ऑफ जर्नी फ्रॉम बैंकॉक। सो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ग्रीन है। एंड ये है मेरे पीछे, इफ़ यू कैन सी, इट इज़ रिवर कवाए। सो यहाँ पे मोस्टली जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे इसी लाइन में हैं एट द बैंक ऑफ दिस रिवर। एजेंडा इज़ टू डू द हाइकिंग एट इरावन फॉल्स, सो इन अ वाइल वी विल गो देयर। ऑलराइट, सो वी आर ऑल सेट टू गो टू द इरावन फॉल्स और बच्चा पार्टी इज ऑलरेडी रेडी। हाई शयान, बाय शयान। सो लेट्स गो टू द इरावन फॉल्स एंड वी आर ऑल रेडी फॉर द हाइकिंग। हम लोग पहुंच गए हैं इरावन नेशनल पार्क। ये कंचनापुरी से 1 से 1.5 घंटे के रास्ते पे आता है, थोड़ा सा माउंटेन साइड पे है। बहुत लश ग्रीन है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस नेशनल पार्क की एंट्री 300 बाट पर अडल्ट एंड 200 बाट पर चाइल्ड है। सो लेट्स सी एंड लेट्स नाउ स्टार्ट दी हाइकिंग। लेवल 1 इज एट अराउंड 500 मीटर्स और टोटल 2 किलोमीटर का रास्ता है। सो आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा ऊंचा है, बट लेट्स सी कि ऊपर पहुंचते पहुंचते क्या हाल होता है। फैन शव्या और पापा की एनर्जी एकदम डाउन हो चुकी है अभी से ही। चलो देखो इसमें हथियार फेंका है आप पे। लेवल 1 पे पहुंच गए हैं। इट इज कॉल्ड एज लाए कुन रंग, सो इट इज लेवल 1। मेरे पीछे जो ये कार्ट है, ऐसी कार्ट से लेवल 1 तक आया जा सकता है। दिस कार्ट टेक्स 30 बाट 1 side पर पर्सन। लेवल 1 पे लाइफ जैकेट भी मिल रही है, बिकॉज ऊपर वाले जो लेवल्स है वहाँ पे, जहाँ पे पानी का फॉल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ कंपलसरी टू वेयर लाइफ जैकेट। तो लेवल 1 पे लाइफ जैकेट भी मिल जाती है रेंट पे, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। एंड फूड एंड ड्रिंक इज अलाउड बियॉन्ड लेवल 2। ये लेवल 2 अभी जस्ट गया है। यहाँ पे जो अगर कुछ फूड आइटम्स है वो यहीं पर ही डिपॉजिट होता है। पानी की बॉटल भी यहाँ पे दिखानी पड़ती है कि कितनी बॉटल लेके जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग सिक्योरिटी जमा होता है, पर बॉटल 20 बाट। तो जब वापस आएंगे वो बॉटल दिखानी है जितनी लेके गए हैं, उसको पैसा वापस मिल जाएगा। बट सिंपली कि ऊपर कोई बॉटल्स थ्रो करके ना आए, एम्प्टी बॉटल, उसके लिए यहाँ पर डिपॉजिट होती है लेवल 2 पे। एंड नो फूड आइटम इज अलाउड। Thank you.
डाउन इस तरफ, लेट्स गो टू लेवल 4 डायरेक्टली। नहीं चलना, yes, this is level 4। अभी यहाँ से तकरीबन 900 मीटर और है और बहुत स्टीप होता जा रहा है। अब यू कैन सी Shavya, Shavya is little sad. Why you are so sad? We are on level 5 and Shavya is super tired. We are not, probably not going to level 7. You know? You are not going, na? No. You want to go? Let's see whether we will go to level 7 or not. But this level 5 in itself is just amazing. And let me show you how clear is this water. वापस आ गए हैं। सो हाउ वाज इट शव्या? गुड गुड। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस श्रेयान? सो यस, ओवरऑल इट इज वेरी ब्यूटीफुल। आई वुड से कि काफ़ी ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत अच्छा वाटरफॉल है। बट हम लोग लेवल 7 तक नहीं गए, हार्डली 200-300 मीटर का शायद डिफरेंस था, बट बहुत ज़्यादा बच्चे थक गए थे। एंड श्रव्या के लिए बहुत डिफिकल्ट था ऊपर तक जाना, शी वॉज टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड बाय लेवल 5। तो हम ऊपर नहीं गए, बट येस जो पूरा रास्ता है इट इज़ अराउंड 2 किलोमीटर्स पूरा लेवल 7 तक का। सो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है बिकॉज कहीं बहुत स्टीप था, कहीं बहुत स्लोपी था और मतलब लेवल नहीं था एक जैसा, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था छोटे बच्चों के लिए। और लेवल 1-2 पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, और जो बीच के जो लेवल्स थे वहाँ पे अच्छा था, इट वॉज़ वेरी क्लीन एंड वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। सो वी ऑल्सो थरली इन्जॉयड एट लेवल 5, बट आई डोंट नो हाउ इज़ लेवल 7, शायद कभी और आएंगे तो देखते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। रेस्ट वी आर इन्जॉइंग आवर चिप्स नाउ। सो यही था इस वीडियो में, ओवरऑल कंचनापुरी में इट वॉज अ वेरी गुड ब्रेक। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। माय फ्रेंड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पकड़ लो उसको। Thank you.